वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक्निक। आज हम अनलॉक करने वाले हैं वीवो वाई फिफ्टी को अनलॉक करेंगे। टूल को मैंने लॉगिन कर दिया है, ईडीएल भी मैंने रिकनेक्ट करवा लिया है। ईडीएल आपको रिकनेक्ट करना है और विद बैटरी लगाना है ताकि डिवाइस ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाए। अगर आप बैटरी नहीं लगाते हो, ऑटोमेटिक डिवाइस रिस्टार्ट नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लोगो हैंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग कहते हैं कि अनलॉक नहीं हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ, आप केयरफुल्ली याद रखिएगा। हमने यहाँ वीवो पे सेलेक्ट किया, यहां से हमने Y50 मॉडल सेलेक्ट कर लिया। डिवाइस मैनेजर ओपन है आपके सामने, डिवाइस कनेक्ट है। हमने फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक किया, ध्यान रहे डिवाइस आपको पहले ही कनेक्ट करना है EDL मोड में। अब हम इस डिवाइस को फास्ट बूट में कनेक्ट कराने वाले हैं। इसको हम मॉडल कंफर्म करेंगे। मॉडल गलत बताया हमें लगता है कस्टमर ने, तो एक बार मॉडल कंफर्म कर लेंगे फास्ट बूट से। कनेक्ट करके हम इसका रीड ले लेंगे। कनेक्ट हो गया है, अब देखते हैं कनेक्ट है नहीं है क्या। हाँ, कनेक्ट हो गया। वीवो PD1965 है, इसका जो मॉडल है PD1965 है, 1965F। तो मॉडल ठीक है, इसको हम EDL दोबारा से करा लेते हैं। इन्हें शायद बैटरी रिकनेक्ट नहीं किया होगा। ध्यान रहे, कभी भी प्रॉब्लम आती है होता है डिवाइस, तो बैटरी भी रिकनेक्ट करना होता है। अभी हम इसको EDL करा लेते हैं दोबारा से। 1965 फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करेंगे, अगर अभी भी नहीं होता तो हमें ड्राइवर फिक्स करना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है, हाँ फ्लैशिंग चल चुकी है, रीडिंग पार्टीशन हो रहा है, रीडिंग इन्फो FRP ओके। ठीक है, अब हम एक बार इसे ऑन करवा के चेक कर लेते हैं, अगर फिर भी नहीं होता तो रीसेट FRP कर देंगे। इनको कहते हैं मोबाइल ऑन चेक।